हेलो नमस्ते प्रणाम जय श्री राम। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मुझे कोई ऐसा मुझे मेरा जरा भी इच्छा नहीं है कि इस पे व्यूज बहुत ज्यादा जाए, ये वायरल हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिसके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, आप लोग जो भी देखे, और जो देखेगा उनको पता लग जाएगा किसको पहुंचाना है किसको नहीं पहुंचाना है। कुछ लोग हैं जो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, मनीषा के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसके फैमिली वालों को बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। बेचारी उसको इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है, वो इतना बड़ा शो कर रही है झलक दिखला जा। उसको पांच हफ्ते के छह दिन वो वहां पर रिहर्सल करती है, एक दिन जाके शूट करती है, उसके पास इन सब चीज का टाइम नहीं है कि वो सब ये सब जाके देखे। बट कुछ ट्विटर पे कोई स्पेस करके है जहां पर लोग 20-25 लोग बैठते हैं, आज तक मैंने कभी ट्विटर यूज नहीं किया है, तो वो लोग वहां पर गाली वाली दे रहे हैं उसको, उसके घर वालों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब भाई मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ एक बात, देखो अपन ना हम लोग थोड़ा देसी टाइप के हैं, हमें ना ये सब ये व्यूज ये व्लॉग्स बनाना मैंने अब स्टार्ट किया लोगों के कहने पे, क्योंकि लोग कहते हैं कि विशाल भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बनाया करो व्लॉग्स, मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि बनाया करो, तो मैंने किया था। बट अपन ना थोड़ा देसी टाइप के, अपने को ना ये सब जमता नहीं है, इन सब चीजों पर अपन लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं। आप लोग जो कर रहे हो ना, आप लोग जो गाली गलौज कर रहे हो, अगर आपके अंदर तथा है, अगर आप अपने एक माँ और एक बाप के बेटे हो, तो आप लोग ये हरकत सामने आके करो। मनीषा को आपको गाली देना है ना, तो आप गाली दो, लेकिन सामने आके दो। है हिम्मत, है तथा, अगर इतनी है तो करो ये चीज। अगर मीन करते हो जो गाली दे रहे हो, अगर मीन करते हो तो मैं मानू भी कि मर दो। और मुझे पता है ये जितने भी जो भी गाली गलौज करते हैं ये सारे 18-19-20 साल के लड़के हैं, जिनके घर पे उनको किसी रीजन से सताया जा रहा है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन आकर के यहाँ पे निकालते हैं ट्विटर पे स्पेस पे, कि गाली देना किसी की, माँ बाप को कुछ बोलना। अबे सालो एक लड़की के लिए बोल रही हूँ, तो सोचो मर्द को बोलो, लड़कों को बोलो, किसी ऐसे इंसान को जो तुमको जवाब दे पाए, जो तुमसे लड़ पाए। एक लड़की के लिए, जहां से पैदा हुए हो ना वो माँ भी तुम्हारी कभी लड़की थी, वो बड़ी होकर औरत बनी है, तो तुम आए हो, तो ये समझ लो थोड़ा सा कि किसी भी औरत किसी भी लड़की के लिए अगर तुम कुछ बोल रहे हो बिना किसी रीजन के अगर कुछ बोल रहे हो तुम, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो भाई। नहीं तो देखो फोन का कैमरा ऑन करके गाली देना, या स्पेस कहीं पे भी किसी के फोन पे कॉन्फ्रेंस पे फोन करके गाली देना, ये तो कोई बच्चा कर लेगा यार। तुम्हें गाली देना है, तुम अगर मर्द हो तुम सामने आके दो, जो तुम गाली में बोल रहे हो उस चीज को तुमको मीन कराना है तुम सामने आके करके दिखाओ। मीन तो तभी करोगे ना भाई जब तुम सामने बोलोगे, जो तुम कर नहीं पाओगे ये मेरा वादा है तुमसे भाई। एक इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा उसके सामने, जो भी लोग ये स्पेस में ट्विटर पे ये सब जो लोग बोलते हैं ना वो, और सबको बोल रहा हूँ, ये 1 million, 2 million, 3 million, 4 million फॉलोअर्स वाले जो ट्विटर पे नाचते फिरते उछलते फुदकते हैं, उन सबको बोल रहा हूँ, सालो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, तुम में से किसी में दम नहीं है कि उसका एक बाल भी उखाड़ पाओ, समझ आया? उसके तक तो बहुत दूर की बात है, हम लोग खड़े हैं उसके आगे, और एक बार हमारा बैकग्राउंड चेक करवा लेना अगर मन लगे, क्योंकि अपने को ना ये सब ये व्यूज के लिए अपन व्लॉग्स बनाते नहीं है कि हम व्यूज के लिए मनीषा का ना, कोई तुम लोग जो करते हो कि किसी को रोस्ट करने के लिए मनीषा को रोस्ट कर देंगे, मनीषा का थंबनेल में फोटो लगा देंगे, मनीषा का नाम ले लेंगे व्लॉग्स में, तो हमारे व्यूज आ जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, ये सब आप लोग करते होगे क्योंकि आप लोगों को चाहिए ये सब चीजें। अपन ना ये सब चीजें नहीं करते हैं, अपन फिर सामने सामने फेस टू फेस बात करते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर तथा है तो तुम सामने सामने आकर के बात करना, ठीक है? क्योंकि हम लोग को ये सब ये वीडियो में लड़ाई करने की आदत नहीं है, मन हो तो सामने आकर के मिलना, ठीक? अबे शर्म करो यार, शर्म करो बे, किसी की लड़की के लिए किसी की बेटी के लिए तुम लोग वो चीजें बोलते हो जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है इस बारे में कि तुम लोग किस बारे में उसको गाली दे रहे हो। उसको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके दोस्त हम हैं, हमें फर्क पड़ता है, उसको इन सब चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, वो बहुत सही लाइफ जी रही है, वो बहुत सही काम कर रही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। लेकिन तुम लोग जो भी हैं, ये जो अपने आप को बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो बोल रहे हैं ना वो ये वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे मैं किसको बोल रहा हूं, जो दिखा रहे हैं कि मैं राम जी का भक्त हूं तो मैं ये कर दूंगा ये बोल दूंगा। अबे राम जी के भक्त हो अगर ना, तो लड़कियों के लिए तुम कभी गलत नहीं बोलोगे, समझ आया? राम जी के भक्त लोग कभी भी गलत नहीं बोलते हैं, जो असली सनातनी होता है ना वो किसी लड़की के लिए गलत नहीं बोलता है। असली सनातन हो तो पहले लड़कियों की इज्जत करना सीखो। और मैं सबको बोल रहा हूँ, चिंटू पिंटू अंटर पंटर चंटर,
जो लोग भी आकर के वीडियोस में गाली वाली दे करके हीरो बनने को सोच रहे हैं ना, तो साले बहन के भाइयों किसी दिन सामने आके दे दिए ना तो बीच में से आधा आधा कर देंगे। आया समझ में ना? बाकी गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन बोलना नहीं है मेरा। मैं थोड़ा मुंहफट हूं, मैं बोलना चालू करूंगा ना तो ऊपर से नीचे तक नंगा कर दूंगा, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। आया समझ? पर एनीवे जाने दीजिए, मैं मनीषा के जो फैंस हैं, जो जेन्युइन फैंस हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोग सिर्फ उसको प्यार दीजिए, आप लोग सिर्फ उसको सपोर्ट कीजिए, वो झलक दिखला जाए, उसको जिता करके बाहर लेके आना है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको वोट कीजिए, बस अपने को सिर्फ आप लोग से यही चाहिए। बाकी जो ये लोग जो है ना, ये चूतिए, इन लोगों के लिए हम लोग काफी हैं। आप लोग इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे टैग्स करते हैं, जो स्टोरी पे मेंशन करते हैं कि विशाल भैया कुछ बोलिए, मनीषा का साथ मत छोड़िएगा, ये हम लोग मनीषा का सच्चे दिल से दोस्त है, कोई साथ नहीं छोड़ रहा उसका, हम सब खड़े हैं उसके साथ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ उसको झलक दिखला जा, मैं जिता करके बाहर लेकर आइए। वैसे मुझे पता है कि मनीषा के फैंस इतने जेन्युइन है, इतने ज्यादा स्वीट और प्यारे हैं कि उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है कि हम लोग बोलेंगे तो आप सपोर्ट करोगे, आप खुद ही इतने प्यारे हो, खुद ही सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। पर ये टॉक्सिक लोगों पे ध्यान मत दो, ये लोग जो स्पेस में बैठ करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे ये लोग जो बात करते हैं, ये सिर्फ इनकी औकात यहीं तक है, ये सिर्फ यहीं तक बोल सकते हैं, इनमें से किसी की भी औकात नहीं है कि वो सामने निकल करके हमारे पास आकर के सामने खड़े होकर के कुछ बोल दें, तो इन लोगों को इग्नोर कीजिए, और अगर कभी सामने आ गए तो हम लोग इनफ है इन लोगों को देखने के लिए। आप लोग सिर्फ उसको प्यार दीजिए, उसको जिताइए, मेन टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि उसको झलक दिखला जैसे जिता करके बाहर लेके आना है। बाकी जो ये अंटर पंटर है, इन लोगों को देखने के लिए हम लोग काफी हैं, और ये व्लॉग मेरा कोई भी वायरल होने के लिए नहीं बनाया। मैं नहीं चाहता हूं कि ये इस व्लॉग में, मैं चाहता हूं सिर्फ 10 व्यूज आए, लेकिन उस 10 में से 3 व्यूज 5 व्यूज उनके रहे जिनको ये व्लॉग्स देखना चाहिए, जो ये व्लॉग देख जो डिजर्व करते हैं देखना। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये व्लॉग उन तक पहुंच जाए, तो उन तक पहुंचा दीजिए, उनको बता दीजिए कि वो लड़की अकेले नहीं खड़ी है, हम लोग साथ खड़े हैं। पहले भी एक वीडियो बनाया था किसी और के लिए कि हम उसके साथ खड़े हैं, तो सालो बोलने से पहले सोचो, वो कोई चूतिया नहीं है, चूतिया हो गए तुम लोग हैं, हम लोग सब खड़े हैं, तो उसको तुम हल्के मत लेना, ना ही वो इतनी ऐसी उसको बेगैरत मत समझना कि अरे यार कोई भैया आया मंदिर घंटा बजा के चला गया, साले फाड़ के हाथ में दे देंगे। वो कोई ऐ वही फालतू लड़की नहीं है कि साले तुम आओगे और बोल के चले जाओगे। अबे उस सोचो, इतना बड़ा शो करके बाहर निकली है, इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है, उसका भी जान पहचान होगा, उसके साथ भी लोग खड़े होंगे, और लोगों की तो दूर की बात है। सालो पहले मैं खड़ा हूं यहाँ पे, उसका दोस्त विशाल सिंह, और पूरा नाम है विशाल सिंह, राजपूत हूं, असली राजपूत का खून दौड़ता है मेरे अंदर, समझ आया? ये बोल के पीछे हटने वालों में से तो मैं हूं नहीं, तो अभी बता रहा हूं, अभी नेक्स्ट टाइम से गाली देने से पहले भाई अगर तुम्हारे अंदर तथा होगी, अगर तुमको 20 साल तक मैं आंटी ने दूध पिलाया होगा अच्छे से, तो आकर के सामने दे करके जाना, ठीक, तो मान जाऊंगा कि बहनचोद तुम लोग हो असल, और नहीं तो एकदम चुप मार के वहीं बैठना घर पे, कुछ भी मुंह चोंच खोलने से पहले सोच लेना कि किसके लिए बोल रहे हो। बोलना तो बहुत कुछ था, बड़ा कंट्रोल किया हूँ, कुछ बोला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो कोई ना कोई, किसी ना किसी घर की लड़की, माँ बेटी बहन कोई ना कोई देखेगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। पर मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, मैंने जो भी बोला है, जिसके लिए बोला है, उनके लिए एकदम सटीक बोला हूँ, उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि इसमें भी विशाल व्लॉग बना करके पैसा कमाना चाह रहा है व्यूज़, अबे भाई मेरे व्लॉग्स में व्यूज़ आते भी नहीं है उतने खास, तो मैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है नहीं कि मैं इसके लिए व्लॉग बनाऊंगा, इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि मैं पैसे कमा पाऊं उससे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, मैं मस्ती के लिए व्लॉग बनाता हूं, अगर मैं जो मेरी बातें हैं दिल की मैं रखना चाहता हूं, जो हंसी मजाक करता हूं वो लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो मैं उस लिए बनाता हूं। पर ये टॉपिक पे दिल से बना रहा हूं क्योंकि बोलना चाहता था, लोगों तक पहुंचाना चाहता था, अगर उन लोगों के अंदर इतनी तथा है कि सामने ऐसे खड़े होकर बात कर सकते हैं, तो ये वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहता हूं, डिलीट कर दूंगा अगर वो आके सामने बैठ के बात कर लेंगे तो, हैं? तो मुझे ये सिर्फ वीडियो उन तक पहुंचानी है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ये सारी चीजें भी व्लॉग्स में बोलूं तो मेरा वीडियो वायरल हो। मत करो वायरल भाई, सिर्फ गिन के उन 4-5 जो लोग भी बोले ना उन तक पहुंचा देना, मुझे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो वायरल हो ना हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। मेरा ना मेरा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से मैं पैसे कमा सकता हूं, तो मेरा ये तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए था जो लोगों ने बोला है, जिन लोगों ने ये सब चीजें करी हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको सुनाने के लिए कि सुनो, समझो कि वो अकेली नहीं है,
उसके साथ हम हैं। मैं चाहता तो ये वीडियो एक शॉर्ट्स में भी अपलोड कर सकता था, बट वहां पर एक मिनट का वीडियो अपलोड होता है। मेरी टॉपिक थोड़ी लंबी थी, लिस्ट लंबा था, ज्यादा कुछ बोलना था, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सुना मुझे। और ये जो चंटर पंटर चिंटू पिंटू ये लोग हैं जिनके घर से पैर बाहर नहीं निकलते हैं पर जुबान निकलती है लड़कियों को गाली देने के लिए, तो उनको बोलना चाहूंगा कि बेटा घर पे जाओ, खाना खाओ, मम्मी को बोलो दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं, लोरी सुनाएं और सुला दें, और वहीं गोद पे सर रख के सोना। मम्मी के साथ टाइम थोड़ा ज्यादा स्पेंड करो ताकि समझ में आए लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। लड़कियों को गाली देने से पहले थोड़ा दिमाग में आए कि अरे मेरी मम्मी भी कभी लड़की थी, अगर तब भी मन ना माने तो फिर आना हमारे पास, फिर गाली देने का मन करे तो हमारे सामने आके देना भाई, मैन टू मैन, वन ऑन वन, सामने सामने एकदम है, क्योंकि कैमरे के पास खड़े हो कि कोई भी बोल सकता है। एक छोटा बच्चे को भी सामने खड़ा कर दो और कैमरा दे दो, मोबाइल का कैमरा ऑन कर दो, वो भी माँ बहन करके चला जाएगा। तुम्हारे अंदर का तथा हो तो सामने बोल करके निकल जाना, अगर निकल गए तो तुम्हारे दोनों टांगों के बीच से हम निकल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जाओ बेटा घर पे जाकर पढ़ाई करो, और 20 साल से उम्र जब बढ़ जाए तब आना लड़ाई करने और इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक यूज करना साले। भाग्य से।